गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। और आज जो है वापस हम कैंप ड्यूटी पे आए हुए हैं। टाइम हो रहा है लगभग 10 बजे के आसपास और अभी जस्ट पहुंचा हूं स्कूल। आज जो है कैंप लग रहा है कूरज स्कूल में, तो कूरज स्कूल में ये कैंप लगा हुआ है, तो हम अभी जस्ट आए हैं। और माहेश्वरी जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, स्कूल की लोकेशन तो जोरदार। क्या कनेक्ट नहीं हुआ क्या? हो गया कनेक्ट, ऐसे कनेक्ट हो रहा तो थोड़ा तो हिला न बंद हो जाएगा ये तो। यहाँ जब स्थाई गेम चल रहा था तो उसके बावजूद इतने रजिस्ट्रेशन कैसे आ रहे हैं? अरे यार, तेरे हो गया हो तो कर ले यार, नहीं तो मैं मेरे चालू करूँ, मेरा काम ही अटका हुआ। तो आज का हम फर्स्ट रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं। ये पर्ची आ गई अपने पास और ये जॉब कार्ड नंबर का है, ये ऊपर है ना नंबर, ठीक है मैं इसमें डाल दूंगा। और कोई योजना में आपका जिसकी गैस कनेक्शन कुछ भी नहीं है ना? ठीक, आपके तो पहले से नामांकित बता रहा है, ये पहले से करवा रखा है। ये आपके जॉब कार्ड भले मैं देख लूं, 7880। ये भी अभी कराएगा, नाम नहीं चढ़ाया जी, ये तो केवल फॉर्म भराया है। ये नंबर डाल के देख रहा हूँ, एक मिनट मैं देख लूँ। 7880 1 9, ये तो अभी चढ़ा है ना, तो अभी यहाँ ऑनलाइन डाल रहा हूँ तो वो बता रहा है कि ये डेटा है ही नहीं। गाइस, तो क्या कुछ भी नहीं है, घर का बिल पहले ही हो गया। वो अभी जो आए थे उनका पहले से बिजली बिल वगैरह का जो रजिस्ट्रेशन है वो रखा था, तो इस वजह से कोई भी डिटेल, केवल उनके बिजली बिल ही था जिसका उनके साहित्य दादा जी ने रजिस्ट्रेशन करवा दिया था, तो इस वजह से उनके कोई भी एंट्री हो नहीं पाई। तो अभी सारे कैंडिडेट्स बैठे हैं, इतना वर्कलोड नहीं है अभी, और भी धीरे धीरे आ रहे हैं अब। जी हाँ गाइस, तो अभी हम सूरज स्कूल जो है वो देखने जा रहे हैं, जो रूम्स वगैरह और यहाँ पे कैसे स्टाफ रूम्स वगैरह बने हुए हैं, क्योंकि मेरे जो साथी जो हैं जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में, वो भी यही जो अभी महंगाई रात में भी मेरे साथ लगे हुए हैं, तो वो उनकी पोस्टिंग यहीं पे है विशाल जी की। तो अभी हम चलते हैं, पूरा स्कूल जो है देख करके आते हैं। इधर होंगे ना ऑफिस वगैरह, तो ये सामने की तरफ है प्रिंसिपल्स ऑफिस, और ये आप देख सकते हो जस्ट एंट्री करते ही मेन गेट से यहाँ सामने की तरफ है प्रिंसिपल सर का ऑफिस। जी हाँ, तो अभी हम प्रिंसिपल सर से मिले और अब हम बढ़ रहे हैं आगे, और यहाँ पे लैब भी है कंप्यूटर लैब, तो वो भी आपको दिखाएंगे। हमारे स्कूल में तो है नहीं अभी कंप्यूटर लैब, पहले थी वो पूरी एक तरीके से 2012 के आसपास बनी थी। ओके, तो ये IDC एंड UDC सर का ऑफिस है यहाँ पे, और तो ये आप देख सकते हो ये स्मार्ट कंप्यूटर रूम बना हुआ है यहाँ पे। अभी लॉक लग रहा है तो चाबी मंगवाई है हमने।
क्योंकि पूरब जो है वो एक तरीके से विलेज टाइप नहीं है, पूरा टाउन टाइप है, तो यहाँ पर फैसिलिटीज वगैरह, तो ये एक शायद तक जो पीसीज हैं ये यहाँ पे किसी ने डोनेट किए थे स्कूल के अंदर, तो वो पीसीज अवेलेबल हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कंप्यूटर लैब भरी हुई है। हमारे वहाँ पे आए थे पर शायद तक वो काफी टाइम से ऐसे ही पड़े रहे, तो वो उस वजह से वो खराब हो गए और उनको वापस रिटर्न कर दिया गया। अब स्मार्ट क्लासरूम भी बन रहे हैं हमारे स्कूल में भी, और धीरे धीरे लैब्स भी सेटअप हो जाएगी, तो ये सारी अच्छी चीजें जो है वो अभी गवर्नमेंट के थ्रू हो रही है, तो काफी अच्छे बच्चों के भी अच्छे के लिए है। जी हाँ गाइस, तो यहाँ पे एक ये भामाशाह सम्मान पट जो लगा हुआ है, और इसको देख करके मैं भी सरप्राइज हूँ कि आप देखिए उस समय लोगों ने कितना डोनेट किया था। ये आप जैसे इसमें देख सकते हैं, यहाँ पे नेम लिखा हुआ है और यहाँ पे रूम्स बने हैं 6000, 1958 की बात हो रही है ये, और आप ये देख सकते हैं जैसे कि नेक्स्ट अपना ये प्रभुलाल जी बंडोरा विज्ञान भवन बना, 75,000 उन्होंने दिए, 75,000 और वो भी 1966 में। अब आप वैल्यू का मनी की वैल्यू का अंदाजा लगा सकते हैं, 1966 के अंदर 75,000 की क्या वैल्यू रही होगी, और इतना उन्होंने डोनेट किया है। और आप ऐसे ही काफी सारा अमाउंट है जिसकी 12,000 रुपए इन्होंने दिए है 1979 में। अब तो काफी सारे डोनेशंस यहाँ पे मिले हुए हैं, और उस टाइम ड्यूरेशन जहाँ जब लोग 200-300 रुपए मंथली काम किया करते थे, उस समय 75,000 डोनेट करना मतलब काफी बड़ी बात हो जाती है। तो अभी हम लैब खुलवाते हैं, ओपन करवाते हैं और लैब में चलते हैं, तो विशाल जी के पीछे पीछे चलते हैं। तो विशाल जी अब ओपन कर रहे हैं रूम को, तो ये इसका चार्ज दिया होगा ना आपको, यहाँ पे अभी कुछ सामान रख दिया है, कुछ पार्सल्स वगैरह आए होंगे, तो चार्ज नहीं दिया है। तो ये ले, तो ये जैसे कि आप देख सकते हो कंप्यूटर्स वगैरह यहाँ पे लगे हुए हैं, ये एक आपको ओपन करके दिखाता हूँ, तो कंप्यूटर्स हैं कितने, 6, 7, 8, 9, 10, 11 11 कंप्यूटर तो यहाँ लगे हुए हैं। हाँ प्रोजेक्टर लगा हुआ, तो अभी आपने वापस एक बार सारा इस पर कौन सा विंडोज कौन सा डाले, तो विंडोज 10 डाल रखा होगा ना, तो आपने डाले पहले से 10 ही आया था, 10 ही डाला हुआ था, डोनेट किए हैं वो, तो डोनेट किए हुए थे, कैमरा वगैरह पूरा अलग से सेटअप कर रखा है। प्रोजेक्टर वगैरह सब लगे हुए हैं यहाँ, तो मतलब काफी अच्छी लेब, थोड़ा अभी ये चेयर्स वगैरह एक्स्ट्रा चेयर्स यहाँ पे रख दी है, बाकी ये सारा छुट्टी चल रही है इसलिए, और ये पार्सल्स आए दिखते हैं कुछ स्कूल के, तो वो अभी रख दिए छुट्टियों के हिसाब से, पर बाकी जो है लैब काफी अच्छी है। और अब कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर्स भी आ ही गए हैं, तो ऑब्वियसली काम जो है मतलब बच्चों को भी सीखने के लिए मिल ही जाएगा, बाकी टीचर्स नहीं थे। तो यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर प्लस फर्स्ट फ्लोर दो फ्लोर में बना हुआ है स्कूल, काफी बड़ा स्कूल है, उधर भी आप देख सकते हो दूर तक, स्कूल तो काफी बड़ा है यार। ये विज्ञान भवन क्या है, कभी गए उधर? हाँ वो उधर, वो शायद 75,000 जो बता रखे थे ना विज्ञान भवन, वो ये पुराना जो मैंने वहाँ पे बताया था आपको कि वो डोनेट किए हुए जो 75,000 1965 के आसपास कुछ अमाउंट डोनेट किया हुआ था, उसका शायद तक ये बना हुआ है विज्ञान भवन करके। अभी तो पता नहीं कि ओपन होता है या नहीं होता है ये, खाने वाने खाना बनता है। हाँ पर ये उस समय ये बना है ना विज्ञान भवन, अभी अंदर तो कुछ नहीं होगा, शायद ही कुछ हो। तो अभी तो अंदर पूरा खाली लग रहा है, अंदर कुछ भी नहीं है, पर ये उस समय ये पूरा बना हुआ है, उस समय हो सकता है कुछ हो क्योंकि उस समय का हिसाब से बहुत बड़ा अमाउंट है ना। नहीं इस तरफ जो है यहाँ पे है यार,
साइंस है हाँ, यहाँ पे केमिस्ट्री लैब वगैरह कुछ है। और ये सामने क्या है? सभा भवन। ये सभा भवन है और ये इधर कोई खाना वाना बना दे दाल हाँ, हाँ, और इधर शायद वो ये मिड डे में पोषाहार के लिए होगा ये स्पोर्ट्स रूम। और ये सारे दो फ्लोर में बना हुआ है ना स्कूल जो ये तो इधर प्रेयर वगैरह होती है हाँ। प्रेयर आपने तो नहीं देखी होगी अभी, अपनी तो पोस्टिंग बाद में हुई है, एग्जाम चल रहे थे ना तब तो बच्चों के। जुलाई में देख पाएंगे हाँ जुलाई में। आपको सही स्कूल मिला है, लोकेशन वाइज भी काफी अच्छा है। हाँ मतलब मेन चौराहे आ जाता, हाईवे आ जाता है तिलवाड़ा वाला कांकोटी वाला हाँ। उदयपुर जाने के लिए यहाँ से उदयपुर वाली बस मिल जाती थी तो अपन चौराहे में चले जाए ना, और जयपुर भी जाओ तो और लोकेशन भी हो कि टाउन टाइप है ना, तो एक बिल्कुल विलेज भी नहीं है और आप आराम से रह सकते हो, मन लग जाता है मतलब यहाँ पे ऐसी लोकेशन। यहाँ पे खाने पीने का भी सब है ना, तो पास में रेल मगर 5 किलोमीटर ही है हाँ, वो थोड़ा बड़ा एरिया आ गया तो थोड़ा रहने के लिए रूम अच्छा मिल गया मुझे वहाँ हाँ। वो भी माहेश्वरी है और टीचर ही है वो भी प्रोवाइडिंग हाँ। एक वो सेम प्रोफेशन से मिलने से भी हाँ। एक फर्क पड़ता है ना। तो अभी चलते हैं वापस अपने रजिस्ट्रेशन काउंटर की तरफ, स्कूल हमने देख ही लिया है एक बार घूम के तो काफी अच्छा स्कूल लगा ये। और ये इस तरफ भी पूरी वो बिल्डिंग बनी हुई है और यहीं पे अंदर एक हमारे स्कूल में भी है शिव जी का मंदिर, मतलब हमारे स्कूल की बाउंड्री है ना उसके बिल्कुल पास में। और यहाँ पे भी इसका बाहर से भी होगा एक गेट हाँ, गांव के लोगों के आने के, इधर से तो बंद कर रखा दिखता है कभी भी। तो ये एक मंदिर यहीं पे बना हुआ है, इसका बाहर की तरफ से भी है एंट्री एंड ये स्कूल के अंदर से भी एक गेट है जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो काफी अच्छा स्कूल लगा कूरज जो है, हमारा भी पहले इतना आना हुआ नहीं है पर अब यहाँ के एरिया आस पास के अपने गांव के आसपास रेल मंगरा से 6 किलोमीटर बता रहे क्योंकि सर ने जो है रूम जो है रेल मंगरा में ही ले रखा है। शायद तक आपने पहले कूरज में भी लिया था ना? नहीं पहले कांकरोली था हाँ, कांकरोली थे और कांकरोली से फिर रेल मंगरा लिया। तो रेल मंगरा से 6 किलोमीटर और कांकरोली से कितना पड़ता था? 26। कांकरोली से 26 किलोमीटर रोज आना होता था पर वो रोडवे जाती है आधा घंटा लगता। तो कांकरोली से 26 और यहाँ से 6 किलोमीटर है रेल मंगरा से। तो अभी चलते हैं अपन वापस रजिस्ट्रेशन काउंटर की तरफ। जी हाँ, अभी हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और कॉफी हमारी आ चुकी है तो कॉफी पीते जा रहे हैं और रजिस्ट्रेशन करते जा रहे हैं।